11 करोड़ लोगों ने देखा जो धोनी बैटिंग कर रहा है, और जो धोनी बैटिंग कर रहा है तो मार गुड को तो दो छक्के लगाए, कमाल के लगाए यार। ये बंदा जो लगता ही नहीं आगे यार, दो तीन साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया, लग ही नहीं रहा कहीं से यार। अभी भी मैं कहता हूँ धोनी इंडिया के लिए वापस आ जाए तो मेरे ख्याल से जो है चार चांद लग जाएंगे। अभी भी वो उसी तरह खेल सकते हैं। अभी भी जिस तरह की कैप्टनसी की बात की जाए, कमाल की कैप्टनसी की है। पहले 6 ओवरों में 80 रन जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने कर दिए थे, कायल मेयर जो है मरी जा रहे थे, उसके बाद आगे जिस तरह गेम पलटी है, 6 ओवरों के बाद मोइन अली को लाना, सैटल को लाना, पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या कमाल की और लाजवाब बैटिंग की है, और उसके बाद जबरदस्त बैटिंग किया जवान करवे ने, और जो कसर बची हुई जगह निकाली है MS धोनी ने। टोटल तीन बारे के लिए जनाब ने तीन बारों में दो छक्के, और वो दो के दो छक्के मार गुड, जो पिछले मैच का हीरो था यार, 150 की स्पीड से वो बॉल कर रहा है, और पहले बॉल में आगे MS धोनी ने उसको छक्का दे मारा, और दूसरा ही बॉल में इतना बड़ा छक्का दे मारा कि वो हैरान हो गया कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। पहले मैच में मैं मैच विनर था भाई, और इस मैच में धोनी साहब ने मुझे आड़े हाथों ले लिया। क्या आपको धोनी के वो शॉट्स देख के लगा कि धोनी बूढ़े हो चुके हैं, धोनी की फिटनेस में कोई मसला है, या धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए IPL से? और भाई मुझे नहीं लगा। और वसीम अकरम MS धोनी के ऊपर हैरान नजर आए। वसीम अकरम ने ये बोला कि भाई कौन कह रहा है कि MS धोनी बूढ़े हो चुके हैं, कौन कह रहा है कि MS धोनी का ये लास्ट सीजन है? उन्होंने बोला कि MS धोनी को अभी कम अज कम 1 से 2 सीजन IPL के और खेलने चाहिए, और वो खेल सकते हैं। उन्होंने बोला कि MS धोनी की बैटिंग को देख के ऐसा लगा ही नहीं कि ये बंदा 41 साल का है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट से जो रिटायर हो चुका है। वसीम अकरम ने बोला कि क्या कमाल की धोनी की फिटनेस है भाई, और क्या कमाल का मैच को फिनिश करते हैं। मतलब जो चेन्नई में आज जो तकरीबन 35,000 का क्राउड था स्टेडियम में, मतलब येलो नजर आ रहा था आपको यार, उसके अलावा नजर नहीं आ रहा था। और क्या उसकी धोनी की इज्जत है, क्या धोनी की फॉलोइंग है यार, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आप देखें उस टैमिल लैंग्वेज में जिसको के आप लीडर मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं उसको, आप मतलब उसको थाला बोला जाता है, और धोनी का निकनेम जो है जो उसको मतलब चेन्नई वालों ने दिया है वो थाला है, बिकॉज ही हैज वन सो मेनी मतलब मैचेस फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, ऑल्दो ही डजंट बिलोंग टू चेन्नई, बट आफ्टर 4 years इट वाज अ ब्रिलियंट होम कमिंग फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, और 12 रन से वो जीते। मजेदार मैच रहा यार, हाई स्कोरिंग मैच रहा, कुछ बहुत अच्छी हमने बैटिंग भी देखी, बहुत पोअर बॉलिंग भी देखी हमने पावर प्ले में, दोनों तरफ से पावर प्ले में बहुत ही गंदी बॉलिंग हुई, और बैट्समैनों ने मजे लिए। मतलब CSK की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने खुल के मजे लिए, डेविन कन्वॉय भी अच्छा चला, और फिर जब लखनऊ सुपर किंग्स की बारी आई तो केएल राहुल तो इतना नहीं चले, लेकिन जो कार्ल मेयर से उन्होंने जो है ठीक ठाक सूटा है, मतलब ऐसे ही फेवरेट कप्तान है, लेकिन पूरे इंडिया की जो धड़कन है वो इसके साथ चलती है, और इसका नमूना भी आपने कल देख लिया होगा कि जियो सिनेमा के ऊपर 1.7 करोड़ लोगों ने जो है वो MS धोनी की बैटिंग देखी, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन MS धोनी कहीं ना कहीं उन फैन के साथ जो है नाइंसाफी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आपके बल्ले पे बॉल भी आ रहे हैं, पिछले मैच में आपने इतनी अच्छी हिटिंग भी की है, फिर इस मैच में आप अपने से पहले जो है वो किसको भेजते हैं, शिवम दुबे को भेजते थे, या फिर अपने से पहले आप जडेजा को भेजते थे, यार आप पहले आ जाए। आपको एक तो आपके फैंस करोड़ों की तादाद में आपका वेट कर रहे होते हैं भाई, आपकी झलक देखने के लिए वो बैठे होते हैं, और दूसरा ये है कि भाई आपकी टीम के साथ भी नाइंसाफी है, आपकी फॉर्म लगी हुई है, आप इतनी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, और अपने से पहले आप उनको भेज रहे हैं जिनकी फॉर्म नहीं लगी हुई है और जिनके बल्ले में बॉल ही नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि MS धोनी को खुद बैटिंग के लिए थोड़ा जल्दी आना चाहिए, जो कि MS धोनी नहीं कर रहे हैं, तो अगले मैच में उम्मीद करेंगे कि MS धोनी जल्दी बैटिंग के लिए आए। बहरहाल बहुत कमाल का खेले हैं, तो आई थिंक कार्ल मेयर्स ने जो दो इनिंग्स खेली है, जिस तरह की उसने बम्बास्टिक इनिंग्स खेली है, तो बड़ी बात हो रही है कि जी क्विंटन डिकॉक अब किसकी जगह आएगा खेलने के लिए, क्योंकि क्विंटन डिकॉक तो आप बाहर रख नहीं सकते। तो आई थिंक सिंपल आंसर इज कि आज जिस तरह स्टॉइनिस आउट हुआ है, बोल्ड मारा उसको मुइन अली ने, इज लुक्ड लाइक टोटली आउट ऑफ, मतलब वो उसकी फॉर्म नहीं है, सीधी सी बात है। तो आई थिंक सीधा सा है कि आप स्टॉइनिस की जगह खिलाए, तो उसको कार्ल मेयर्स, क्योंकि स्टॉइनिस भी थोड़ी बहुत मीडियम पेस करता है और नीचे बैटिंग करता है ऊपर भी कर लेता है, तो कार्ल मेयर्स भी वही चीज करता है बॉलिंग भी, बल्कि कार्ल मेयर्स इज द बेटर बॉलर आई थिंक देन मार्कस स्टॉइनिस, तो देयर इज नो इशू फॉर लखनऊ, दे कैन इजीली प्ले दूसरी तरफ धोनी जिन्होंने
तीन चार साल हो गया क्रिकेट ही छोड़ दिया इंटरनेशनल, वो भाई आज के साथ ही मार्कुट को दो छक्के लगा रहे हैं, तो भाई यहाँ से नजर लगा लेंगे धोनी भाई जान एक क्लास है, धोनी जैसा कोई भी बैट्समैन नहीं है, धोनी जैसा कोई भी विकेट कीपर कैप्टन नहीं है यार, जिसने जो है मैच पूरा पलट के रख दिया। लग नहीं रहा था कि यार जब 80 रन बन चुके थे उसके बाद किस तरह का कमबैक किया जाए, मोइन अली को दा देनी होगी, जिस तरह के साथ ही उन्होंने भाई जान काइल मिल्स को और केएल राहुल को जो है आउट किया है और जबरदस्त किस्म का वहीं से मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद निकलत शुरू ने भी हिटिंग की लेकिन वहां पर भी जो है जीत सकती थी मैच, लेकिन क्या कह सकते हैं कि यार क्रिकेट है ये, और जिसने जो है अच्छी बैटिंग है बोली की वही नई टीम जीतेगी। तो जबरदस्त मैच, जिस तरह से लखनऊ के खिलाफ जिस तरह से बैटिंग उन्होंने मारकुट को जिस तरह से पीटा, क्या बात, दो बॉल में दो छक्के लगाकर पूरी तरह से तहलका मचा दिया। धोनी की कप्तानी भी लाजवाब रही, उन्होंने हारा हुआ मैच अपने वापस ले और चेपक में 35,000 के दर्शक के सामने दो बॉल में दो छक्के लगाकर तहलका मचा दिया और जियो सिनेमा पर 1.7 करोड़ व्यूअर ने मैच देखा लाइव। तो दोस्तों क्या धोनी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है? अपनी कॉमेंट देना मत भूलें।